मैं बैठा था बस में आ गया और मुझे एक चीज पीछे खींच लाई, ठीक है। और जो लोग अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं ना, वो ये मिस नहीं करने के, बाकी उन्होंने मिस कर दी जो छोड़ के चले गए। तो भाई ये सारे भाई बैठे थे और मैं भी एडमिशन ले लूं क्या कहीं? ले लो भाई, क्या विचार है बताओ तुम मुझे। अगर तुम राम राम जी, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और अभी हमें पंकज भाई के घर, और ये बैठे अपने भाई, ये बैठे पंकज भाई। और सत्यम भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, आप बताओ। और एक बात बताऊं इस आदमी की, भाई पता सवेरे तो कह रहे हैं, मतलब रात जब गए बोले मैं जो सुबह 6 बजे आ लूंगा। किस टाइम आए बताओ भाई? 6:10 हो गई। 6:10 ना गुरु जी, 8:30 आए हो तुम? देखा टाइम तुमने ना घड़ी में? अरे देखो पंकज भाई तो अभी आंख रगड़ रहे हैं। कितनी नींद आएगी ऐसे? और दो दिन सोना, 3 दिन सोना तू बता। अरे कहाँ 2-3 दिन। अच्छा ये पीछे क्या रखा? मतलब तुम्हारे उनकी है ना दादाजी वाली वो फोटो, एक बार पास से ले लूँ इसे। देखो भाई आर्मी में थे इनके दादाजी, और ये उनके डिसिप्लिन वाले बंदे जो कि सुबह 6 बजे उठने की बात करते थे। और भाई अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मिलेगी थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा ज्ञान। तो पंकज भाई बताओ, गाना का शूट तो तुमने करा लिया, तो बताओ कैसे कैसे क्या प्रोसीजर रहता है, कितना बजट आ जाता है, और कहाँ तुम रिकॉर्डिंग कराते हो और क्या हिसाब है? तो बताओ भाई, बताओ क्या होता है? मतलब जो भी कितना कितना बजट आ जावा है, कैसे कैसे शूट हो गए, कुछ जानकारी तो दो भाई। बजट का तो ऐसा है 20,000 से लेकर, हाँ, और 50 लाख का कुछ भी लगा दो। हमने 20,000 से लेकर फिर तो आए कितने करोड़, करोड़, 2 करोड़ जजा सब लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ भाई फिर और बाकी आगे कैसे कैसे क्या प्रोसीजर है? ऑडियो का, ऑडियो रिकॉर्डिंग, पहले ऑडियो करो, लिरिक्स वाले अगर खुद लिख रहे हो लिरिक्स तो फिर तो अच्छी बात है, बाकी लिरिक्स वाले बंदे से। हाँ, फिर ऑडियो रिकॉर्ड करवाने जाते हैं भाई स्टूडियो, जैसे हरियाणा का कोई स्टूडियो हो गया, हमने भी वही पकड़ रखा है। उसके बाद में ऑडियो फाइनल होने के बाद फिर वीडियो की तैयारी, ठीक है। उसके लिए टीम होती है पूरी, एक डायरेक्शन देने वाली टीम पूरी, ठीक है। उसमें वो लाइट वाइट सब कुछ लेके आएंगे, तुम्हें अपने लड़के तैयार करने हैं, लोकेशन वगैरह ये सब चीज़ें हैं बस नॉर्मली। तो ये हमारे एक नए भाई आए गए उस्ताद, तो गए तो और बाकी सत्यम भाई तुम्हारी आवाज़ बहुत बाकी प्यारी है, लोगों को पसंद भी आई है पिछले व्लॉग में भी। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो कुछ कहना चाहेंगे अपने और सॉन्ग्स वगैरह के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ भाई, कल एक सॉन्ग का शूट हो गया भाई, ने व्लॉग भी डाल दिया होगा। और पिस्टल नाम है गाने का भाई, इससे पहले 2 गाने आ चुके हैं, एक मसाला था जिसका सीधा टैल था भाई, हुकूमत मिली चैनल पर, अपने भी जाके देखो। बाकी पिस्टल सॉन्ग होगा तब से देखो भाई, लाइक कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। हाँ तो भाई मैं जो है तुम्हें जो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, पहले 2 गानों का भी, और अब वाला तो भाई अभी शूट हुआ है तो एडिट वगैरह टाइम कितना टाइम लग जाएगा भाई? भाई कम से कम 5-7 दिन एडिटिंग में भाई, उसके बाद 5-7 दिन और बड़ी चीज़, तो 15-20 दिन मान के चलो। तो भाई 15 दिन मान के चलो मोटा मोटा, है ना, लग जाएंगे पंकज भाई इतने दिन? हाँ तो 15 दिन मोटी मोटी मान के चलो, 15 दिन इंतजार कर लो बस कैसी। और 15 दिन के बाद जो तुम्हें बहुत बढ़िया बहुत प्यारा सॉन्ग भाई का, भाई की प्यारी सी आवाज में, प्यारे भाई जी, मतलब हर चीज़ प्यारी प्यारी है टोटल, ठीक है, तो वो मिलेगा। और बाकी उम्मीद कर रहा हूँ भाई तुम्हें जो है सब चीज़ें बढ़िया समझ में आ रही होंगी, कैसे कैसे क्या प्रोसीजर है भाई ने जैसा तुम्हें बताया, ठीक है। और फिर अब आज पंकज भाई का पेपर भी है, तो पेपर एवर चढ़ना जाए भाई का तो चल रहे हैं भाई, पढ़ाई भी जरूरी है। ये अच्छा था गुरु, मतलब सोशल मीडिया के स्टार बन जाओ फिर पढ़ाई पर ध्यान दे लो, ये जरूरी है भाई। स्टार स्टार तुम्हारी भी चल रही है पढ़ाई? हाँ भाई मेरी चल रही है, ये सेकंड ईयर है। मैं भी एडमिशन ले लूँ क्या कहीं? ले लो भाई, क्या विचार है बताओ तुम मुझे। अगर तुम आ गए तो तुम ये डोंग की लगानी है, तो मैं कहां जाऊंगा भाई? वैसे तक ये वैसे तक 40 लाख रुपए का काम करवा दो बस, 40 लाख रुपए भाई। हवा भाई 6 महीने बिल्लू संडा खराब यार, मतलब भाई यार पंकज भाई क्या बात कर रहे हो, 40 लाख मेरे पोते में यहाँ होता मैं 40 लाख लेकर खुद यूएस चला जाता। अच्छा सपना है यूएस का? देखो तो भाई यहाँ ऐसी मस्ती चलती रहे, मजा आते रहे पूरे भाई के साथ, ठीक है। तो अभी तुमसे थोड़ी देर में मिलते हैं भाई। मेरठ के जाम ने हालत खराब कर दी, बहुत गंदा जाम है यार, बिल्कुल बुरा हाल हुआ पड़ा। देखो बहुत पता नहीं कब तक कितना टाइम और लगेगा यार मेरठ के, मेरठ में यार रोज ऐसी जाम रहता है ना मेरठ में इतना बुरा। अभी हम कहाँ हैं इस टाइम? हापुड़ उससे निकले ना, अड्डे से, हापुड़ अड्डे से निकले हैं और सोराग गेट तक जाना है, मतलब कि पूरा मेरठ ही पार कर दिया हमने इस तरीके से। मैं आया था उधर से रोटा बाईपास से, तो रोटा बाईपास से सोराग गेट पूरा मेरठ ही,
कार ही है भाई, घंटों लगे, मतलब इतना टाइम मुझे लगा कहीं से कहीं पहुँचने में, और इतना टाइम लगा मेरठ से मेरठ में, यार बुरा हाल है। अब देखो कैसे मुझे जाना संभल, सुना तुमने संभल मुरादाबाद के पास, संभल वाली रोड पे चचा जाना है भाई हमारे का संभल को, अन्य लोग पता कंफ्यूज हो जाए यू क्या संभल चंबल चंबल डाकू वाला अरे मन की भाई भाई रेड लाइट मिल गई भाई, देर पर देर होने में मैं वैसे परेशान हो रहा हूँ आज। यार संभल वाली बस आत ना आ रही, क्या होगा ये बरेली मेरठ की है, ये भी उधर पता नहीं कहाँ कहाँ की खड़ी है। संभल वाली बस कौन सी अंकल जी? अरे भाई वो दिक्कत होगी अंकल, उधर की तरफ है क्या कुछ, उस पर देखते हैं मिल जाएगी। तो भाई संभल वाली बस तो चली गई, अंकल बता रहे थे गजरोले के लिए मिल जाएगी यहाँ से आगे खड़ी है, तमाम लग रही है आगे। तो भाई अब गजरोले वाली में बैठना पड़ेगा यहाँ, फिर वहाँ से पकड़नी पड़ेगी। ये अपनी बस में बैठे हैं और वही गजरोले वाली मिली है, अब गजरोले से दूसरी पकड़नी पड़ेगी। तो भाई मैं बैठा था बस में आ गया और मुझे एक चीज़ पीछे खींच लाई, ठीक है। और जो लोग अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं ना वो ये मिस नहीं करने के, बाकी उन्होंने मिस कर दी जो छोड़ के चले गए। तो भाई ये सारे भाई बैठे थे और कुछ ऐसा टैलेंट है इनके पास जो अभी तुम देखोगे, ठीक है। तो गो 1 2 3 सारी तेरी यादों में गुजारी सोनिए सोनिए। हाँ जी भाई, सारे भाई नैनीताल से हो? तो फिर तो यार अपना बढ़िया बॉन्ड बन गया ये तो यार है, यारी दोस्ती में मजे आ जाएंगे। नहीं मतलब जब घूमने उमने आते रहे तो अरे आओ कभी तो मैं घुमाएंगे नैनीताल, नैनीताल की वादियाँ। अरे भाई आया हूँ मैं 2-3 बार हो गया, पर बहुत बढ़िया जगह, बहुत खूबसूरत बात है, मतलब चीजें हैं घूमने लायक देखने लायक हैं, नैनीताल भीमताल सातताल काफी चीजें हैं घूमने लायक तो वहाँ पे। तो बताओ अपनी आईडी वाईडी दे दियो है ना भाई सारे जो भी है। मतलब यहाँ कैसे कैसे आए थे? यहाँ हम बेसिकली यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए आए थे, वहाँ पर प्रेजेंट करते थे खो खो में जो मेरठ में हुई थी, अभी यूनिवर्सिटी जो चल रही है उससे लिए आए थे। अच्छा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। तो भाई देख लो मतलब कितना टैलेंट है इनके अंदर, खो भी है और खो खो मतलब बेसिकली गेम, और भाई गाने तो इनके बढ़िया चले रहे थे बहुत मस्त। हाँ नैनीताल से बता दीजिए भाई, कुमाऊँ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा लगा मिलकर भाई उसे। और अब कुछ देर में देखो आई डी और नंबर भी शेयर हो जाएगा, फिर तुम्हारा भाई भी नैनीताल जाएगा इनके साथ मजे लेंगे, तो मिल भी जाओगे ना भाई। यार वाकई जो चीज़ आज देखी ना भाई, मतलब कुछ जो चल रहा था ना दिमाग में, बोधरेशन भी थी ना थोड़ी, टेंशन भी थी, वो सारी गायब करवा दी भाइयों ने, एक अलग ही लेवल दिखा दिया कि हाँ अगर कुछ है ना तो करो है, अगर कुछ नहीं रखा दुनिया में। तो मैं भी यही कहता हूँ भाई, अगर तुम्हारा भी मन घूमने का है ना तो करो कोशिश यार, कॉन्टेक्ट कर लो एक बार। बिल्कुल करूँगा भाई, अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर लिए। अरे भाई ना मुझे लोकल, ऐसा ना मेरा क्या है, मैं अगर कहीं जाता हूँ तो वहाँ का लोकल फूड ज्यादा वो प्रेफर करता हूँ। भाई गजब मजा आ जाता है, मजा आ जाएगा, जन्नत की सैर, जन्नत की सैर तो है भाई, कहीं है तो ये तो है भाई, ये मैं क्या मतलब हर कोई मानता है कि अगर हाँ देवों की भूमि है, अगर कहीं जन्नत है धरती का तो वो उत्तराखंड के अंदर है।
बाकी हम बहुत सौभाग्यशाली है जो हमारा जन्म उत्तराखंड में हुआ है। जो जन्म में हुआ कुछ पुण्य काम के होंगे तभी हुआ है। जैसे तुम देवभूमि कहते हो ना वहाँ घर है हमारा। तो ये भाई देखो बहुत बढ़िया चीजें मिली। बाकी अगर तुम्हारा भी घूमने का मन है और मतलब तुम्हारे घर पे इतना है कि तुम 50 रुपए रोज के बचा सको भाई महीने के 1500 हो जाए। एक बंदा एक जगह आराम से घूम जाएगा। 1500 रुपए यानी एक सिटी ना बढ़िया घूम जाएगा 50 रुपए में पेट भर खाना। बताओ और कई जगह तो बिना रुपए के भी आप खाना खा लोगे। बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम ज्ञान की, बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम ज्ञान की, बैठे हैं मेरे सीने में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यही चीज़ है तो ये क्या तुम्हारे फोन के पास? ये नेपाली करेंसी है यार। मेरे पास भी थी, मतलब मेरे ना वॉलेट में रखी थी और किसी ने निकाल दिया। मतलब ये तो है करें, अच्छा लगता है ऐसा करना। नहीं करेंसी पीछे लगाना ना, ना करेंसी पीछे लगाना तो अच्छा लगा है, लेकिन यार क्या था कि मेरे जो वॉलेट था उसके अंदर थी, मेरे पास थी नेपाल की, भूटान की और दुबई की और सऊदी की, चार कंट्री करेंसी थी मेरे पास। मतलब वही एक दो दो नोट थे भाई, ज्यादा ना थे। कल इनकम वाले बोले धंधा कर रहा तो वो थे यार, और वो पता नहीं किसी ने निकाल लिए, कहाँ गए, कैसा क्या हुआ। वो तो बोल लेडे बताना घर पे कहाँ पड़ा मेरा, देखूंगा जाकर आज अगर मिलेगा तो। उसमें कुछ ना कुछ तो होगा यार ऐसा, या तो बहुत पुराना नोट होगा कोई, मुझे क्यों शौक है अलग से रखने का। दिखाऊंगा तुम्हें, मेरे पास है छोटी छोटी यूनिवर्सिटी गेम में प्राइज अच्छा रहता है। और कैसे कैसे रहता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट चार जोन, सॉरी ये तो मैं जोन बोलेंगे, चारों जोन की जो यूनिवर्सिटीज हैं फिर वो आपस में कंपटीशन करेंगी, फिर जो बेस्ट यूनिवर्सिटी बन आएगी ना फिर उसका प्राइज ज़्यादा करोड़ों भाई। तो जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हो या पढ़ोगे स्कोप है कर सकते हो यार, अच्छा स्कोप है। यूनिवर्सिटी में लाखों मिल जाऊंगा भाई, अगर मेहनत करो पूरी बिल्कुल मिल जाते हैं। हाँ पोजिशन पहुँच जाएगी तो बहुत अच्छी बात हो जाएगा, नेशनल बैंक मिल जाएगा, नेशनल के लिए डायरेक्ट स्लॉट मिल जाता है। अच्छा हाँ वो कि आप यूनिवर्सिटी जीते हुए हो तो फिर नेशनल में आपका वो ना होते ट्रायल वगैरह जो चल रहे हैं ना वो। देखो भाई कितनी बातचीत तुम्हारा भाई तुम्हें बता रहा कितनी दोस्त को दे रहा बाबा। हेलो भाई, चलो मिलते ना फिर यूट्यूब ब्रो। तो भाई सच में मजा आ गया उसको तो।